हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द देसी रेसिपीज। तो क्या आप भी फास्ट रहते हैं, और अगर रहते हैं तो क्या खिचड़ी खा खा के बोर हो चुके हैं? तो चलिए आज बनाते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी, और वो है ये सिंघाड़े के आटे से बनी हुई पकौड़ी। ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है और काफ़ी ज़्यादा ईजीली बनाई जा सकती है काफ़ी कम इन्ग्रीडियंट्स के साथ, और ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी भी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होंगे, यहाँ पर मैंने 3 पोटैटोज़ लिए हैं। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप ऑफ सिंघाड़े का आटा, स्वाद के अनुसार यहाँ पर सेंधा नमक। तो यहाँ पर मैंने सेंधा नमक लिया है क्योंकि हम इसे फास्ट के लिए बना रहे हैं। और हम यहाँ पर लेंगे 1 छोटी चम्मच जीरा, और यहाँ पर मैंने लिया है 1/4 teaspoon ऑफ दी ब्लैक पेपर पाउडर, और 2 जो छोटी हरी मिर्च है उनको मैंने चॉप किया है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें बस इतने ही इंग्रेडिएंट्स की नीड होगी। तो सबसे पहले हम आलू को अच्छे से छील लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर हम आलू को छील लेंगे। यहाँ पर मैंने 3 आलू को अच्छे से छील लिया है। तो आप जिस भी शेप में इनको कट करना चाहें आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इनको हल्का सा बड़ा रखा है ताकि इजीली इनको बैटर में डिप करके और निकाला जा सके, ताकि जो बैटर है वो अच्छे से इनके चारों तरफ कोटेड हो जाए। तो इस तरीके से मैंने इनको यहाँ पर कट कर लिया है। अब हम इनको एक बॉल में लेंगे। तो गाइज, अगर आपको देसी रेसिपीज़ पसंद आ रही है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। तो यहाँ पर अब हम इसमें ऐड करेंगे सिंघाड़े का आटा। अब हम इसमें ऐड करेंगे ग्रीन चिलीज। अब इसमें ऐड करेंगे हम सेंधा नमक। अगर आप इसे बिना व्रत के लिए बना रहे हैं तो सादा नमक भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे काली मिर्च पाउडर, और यहाँ पर हम ऐड करेंगे जीरा, और थोड़े सा यहाँ पर हम हरे धनिए के पत्ते ऐड करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो सिंघाड़े का आटा है वो आलू के चारों तरफ अच्छे से कोटेड हो जाए। तो इस तरीके से यहाँ पर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए हम इसको मिक्स करेंगे, और बैटर की कंसिस्टेंसी ऐसी कर देंगे कि वो आलू के चारों तरफ कोटेड हो जाएगी। तो यहाँ पर हम थोड़ा पानी ऐड करते हुए अब हम इसे हाथ से ही मिक्स करेंगे ताकि हम इसको अच्छे से मिक्स कर सकें। तो हम देख सकते हैं कि अभी भी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक है, तो हम इसमें थोड़ा पानी और ऐड करेंगे। तो ये एकदम रेडी हो चुका है फ्राई करने के लिए। तो अब हम इसको फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने ऑलरेडी ऑयल को हीट किया हुआ है। अब हम इस तरीके से जो पोटैटोज़ है उनको पिक करते हुए फ्राई करेंगे। थोड़ा हल्का सा यहाँ पर हम उन्हें बैटर में डिप करेंगे ताकि जो मिक्सचर है वो अच्छे से उनके ऊपर कोटेड हो जाए। तो गाइस, ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप इसे ग्रीन चटनी या दही के साथ खा सकते हैं, काफ़ी जल्दी भी बन जाती है और इंग्रेडिएंट्स भी काफ़ी कम नीड होती है इसमें। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगने वाली है। तो इस तरीके से हम इनको क्रिस्पी होने तक कुक करेंगे। तो हम देख सकते हैं कि इनमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा गोल्डन कलर आया है, ये काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी भी बनी है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।